नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 60वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 60वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस बारिश से प्रभावित 16 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और फिलिप सॉल्ट ने तो आते ही इस पारी की पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन फिर इसी ओवर में गेंदबाजी डाल रहे नुवाल तुसार ने फिलिप सॉल्ट को अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेंकटेश अय्यर ने एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर के साथ बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को अंशुल कंबोज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 10 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की बल्लेबाजी मुसीबत में थी। मुंबई की गेंदबाजी ने कोलकाता के टॉप के 3 बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया था। अब मैदान पर नीतीश राणा बल्लेबाजी करने उतरे थे और फिर यहाँ से गजब की बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर कोलकाता की डगमगाती पारी को संभाला और मुंबई की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। वेंकटेश अय्यर अब लगातार मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे तो वहीं नीतीश राणा भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। नीतीश राणा ने तो पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर अब अपनी टीम को 77 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 21 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर कोलकाता की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़कर मुंबई की टीम की अब इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करा दी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल मैदान में उतरे थे और आंद्रे रसेल ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके नीतीश राणा के साथ मिलकर आंद्रे रसेल फिर से कोलकाता की टीम के लिए एक और साझेदारी बना रहे थे। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा ने जसप्रीत बुमराह को भी 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी सेट हो चुके नीतीश राणा को तिलक वर्मा ने रन आउट कर दिया। नीतीश राणा 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। सेट हो चुके नीतीश राणा का विकेट मुंबई की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को पीयूष चावला ने अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल 14 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। आंद्रे रसेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को अंतिम ओवरों में खोना कोलकाता को महंगा पड़ सकता था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अब रिंकू सिंह इस मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई के गेंदबाज पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रिंकू सिंह को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को बल्लेबाजी कर रहे रमनदीप सिंह ने एक शानदार छक्का लगा दिया और फिर इसी के चलते कोलकाता की टीम ने 157 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 158 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो दिग्गज
ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महा मुकाबले की मैं अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की शानदार ओपनिंग साझेदारी ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत इस महा मुकाबले में दिलाई। मुंबई के या दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खास करके ईशान किशन कोलकाता के हर एक गेंदबाज पर रन बना रहे थे। पारी के चौथे ओवर में ईशान किशन ने हर्षित राणा को दो चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। शुरुआत से ही अब कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में थी और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और ईशान किशन की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। अब कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियां बढ़ने लगी थी। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर अब अपनी टीम को 65 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आया सुनील नारायण ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 22 गेंद में 40 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुंबई की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को वरुण चक्रवर्ती ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 24 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही कोलकाता की स्पिन गेंदबाज ने इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी का मोर्चा संभाला, वैसे ही मुंबई की बल्लेबाजी दबाव में आ चुकी थी। अब दोनों ही मुंबई के सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और तिलक वर्मा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। नए बल्लेबाज तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर अब मुंबई की इस लड़खड़ाती पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सूर्यकुमार यादव को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दबाव लगातार मुंबई की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या को भी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने वैभव अरोरा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने मुंबई की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। विकेट गिरने के बाद टीम डेविड मैदान में उतरे थे। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 66 रन की जरूरत थी। यहाँ से मुंबई को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले को जिता सकता था, लेकिन पारी का 13वां ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने इस बीच टीम डेविड को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। मुंबई की परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी। मुकाबला लगातार मुंबई के हाथों से निकल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए निहाल बडेरा मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके तिलक वर्मा इस मुकाबले में अभी भी हार नहीं मान रहे थे और तिलक वर्मा ने इस 13वें ओवर में आंद्रे रसेल को एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर में मुंबई को 9 रन मिले। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 14वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में तिलक वर्मा ने हर्षित राणा को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर निहाल बडेरा रन आउट हो गए। निहाल बडेरा 3 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में मुंबई को 16 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद नमनधीर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 15वां ओवर आंद्रे रसेल को डालने दिया गया और आंद्रे रसेल की इस ओवर में नमनधीर ने अपने बल्लेबाजी से कमाल करके दिखाया और इस ओवर में 2 और एक शानदार चौका लगाते हुए 19 रन बना लिए। अब मुकाबला फिर एक बार पलट चुका था। दबाव अब कोलकाता की गेंदबाजी पर भी था। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। अब इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक ओवर हर्षित राणा डालने आए और हर्षित राणा ने इस ओवर की पहली गेंद पर नमनधीर को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नमनधीर सिंह 6 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई को 5 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए अंशुल कंबोज ने 1 रन लेकर तिलक वर्मा को स्ट्राइक पर बुलाया। अब मुंबई को 4 गेंद में 21 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने तिलक वर्मा को भी फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 17 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम यह मुकाबला नहीं जीत सकती थी।
कोलकाता की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को मुंबई के हाथों से छीन लिया था, और फिर अंत में कोलकाता की इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता की टीम ने 18 रनों से मुंबई की टीम को इस मुकाबले से मात देकर इस साल क्वालिफाई होने वाली कोलकाता की टीम पहली टीम बनी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इस कोलकाता की टीम ने अपने बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले में गेंदबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया, लेकिन कोलकाता के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत की असली हीरो इस आंद्रे रसेल जी। हाँ दोस्तों, आंद्रे रसेल ने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। पहले बल्लेबाजी के वक्त आंद्रे रसेल ने केवल 14 गेंद में 24 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त आंद्रे रसेल ने सूर्य कुमार यादव और टिम डेविड जैसे मुंबई के दो बड़े विकेट निकालने वाले, इसी के चलते आंद्रे रसेल को कोलकाता की इस जीत में उनके असली हीरो साबित हुए। तो दोस्तों, आपको आंद्रे रसेल का इस मुकाबले में एक शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन कैसा लगा, और आप उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और क्रिकेट जगत से इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।